कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 7 दिवसीय दौरे पर भारत में है, लेकिन भारत की ओर से इस यात्रा को ज्यादा महत्व नहीं दी जा रही है। कनाडाई प्रधानमंत्री को भारत आए 2 दिन हो चुके हैं, हालांकि उनकी यात्रा को वो तवज्जो नहीं मिल रही है जो अन्य देशों के शीर्ष मेहमानों को यहां मिलती रही है। न सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बल्कि उनके मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ मंत्री भी उनसे दूरी बनाए हुए हैं। पिछले 2 दिन से वो किसी शीर्ष भारतीय नेता के साथ नजर नहीं आए। अपनी यात्रा के 6ठे दिन ट्रूडो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों 23 फरवरी को मिल रहे हैं। भारतीय सरकार की ओर से कनाडा के शीर्ष नेता को खास तवज्जो नहीं दी जाने के पीछे अहम कारण है कि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार भारत में सिखों की स्वतंत्रता आंदोलन यानी खालिस्तान आंदोलन को अपना समर्थन देती है और उसके कई मंत्री सिखों की आजादी के आंदोलन के करीबी रहे हैं। हर विदेशी मेहमान के भारत आने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट के जरिए भी स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उनकी यात्रा को लेकर कोई स्वागत ट्वीट नहीं किया। दोनों देशों के बीच रिश्तों में थोड़ी बहुत खटास उस समय भी दिखी जब पिछले साल पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये कहते हुए कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन से नहीं मिले कि वो खालिस्तानियों से सहानुभूति रखते हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।